जागो मुसलमानों, सेहरी का वक्त हो गया है। जागो मुसलमानों, सेहरी का वक्त हो गया है। हाफिज साहब रुकिए जरा। जी जनाब। क्या ड्रामेबाजी बना के रखी आपने रोज रोज की? क्या हुआ, जरा आराम से बात करिए। मैंने क्या कर दिया? यह भी मुझे ही बताना पड़ेगा कि आपने क्या किया। अभी रात के 2 बजे और आपने लोगों की नींद खराब कर रखी है। बेटा मैं तो आप लोगों को सेहरी के लिए जगाने के लिए आता हूँ। किस जमाने में रह रहे हैं हाफिज साहब? हमारे पास मोबाइल है, अलार्म है, हम खुद जाग सकते हैं। बेटा इमाम होने के नाते मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं मोहल्ले वालों को सेहरी के लिए जगाऊं। तो आप अपना काम कीजिए ना, मस्जिद में जाकर इमामत करें। हम भी मुसलमान हैं, हम भी जानते हैं रोजा रखना है। आइंदा से हमारी गली में मत आइएगा। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, अल्लाह इनको हिदायत दे। अस्सलामु अलैकुम हाफिज साहब। वालेकुम अस्सलाम। फिरोज भाई हैं घर पे? नहीं, वो तो सहरी के लिए दही लेने गए हैं। एक खत और चाबी अपने भाई को दे देना। इमाम साहब। फिरोज भाई आप यहाँ? किसकी इतनी हिम्मत हुई कि आपकी बेइज्जती करे? छोड़े फिरोज भाई, रहने दें, आप कोई नया इमाम ढूंढ लें। इमाम साहब मुझे बस उस शख्स का नाम बता दें। सब खैरियत तो है? इमाम साहब अभी तक क्यों नहीं आए? पता नहीं यार, मुझे भी नहीं पता यार, लेकिन सदर साहब के गुस्से को देख के लग रहा है कुछ गड़बड़ है। सदर साहब सब खैरियत तो है, इमाम साहब अभी तक क्यों नहीं आए? अभी आप लोगों को पता चल जाएगा कि वो आखिर अभी तक क्यों नहीं आए। इमाम साहब कहाँ रह गए? इमामत करने के लिए तो टाइम से आते नहीं हैं और लोगों की नींद हराम करने के लिए 2 बजे से चले आते हैं। सदर साहब कैसा इमाम रखा है आपने? आज वो हमें जगाने नहीं आया और हमें सहरी में देरी हो गई। मस्जिद के इमाम का काम है तुम लोगों को नमाज पढ़ाना, ना कि तुम लोगों को सहरी के लिए उठाना। लेकिन आज एक मुसलमान भाई ने उन्हें इस पर बातें सुनाई है और वो इसी वजह से इस मस्जिद को छोड़कर चली गई। अजीब बात है, अब जिस शख्स ने ये बातें कही हैं वही आकर यहाँ नमाज पढ़ाए। क्यों सोहेल, ये ठीक कह रहा है ना? है कोई मुसलमान जो जमात कराए? हमें अपने मस्जिद के इमाम के साथ कभी भी बदसुलूकी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए ही अपने घर को छोड़कर परदेश में रहते हैं और हमें वक्त वक्त पर उनका ख्याल करते रहना चाहिए।